हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये जगह बताई थी कहाँ? यस सर, कीर्ति ने कहा था यहीं आने के लिए। हेलो, सीआईडी ब्यूरो, कहिए। सर मैं कीर्ति बोल रही हूँ। कीर्ति? हाँ जी कहिए कीर्ति जी, क्या हुआ? सर आप लोग जल्दी से मडलैंड आ जाइए, मुझे सीआईडी की मदद चाहिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर, प्लीज। देखिए कीर्ति जी आप घबराइए नहीं, हम अभी आ रहे। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा सर। सर अंधेरे में मुझे थोड़ा डर लगता है सर। पंकज तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, सीआईडी ऑफिसर शेर होता है, शेर। शेर कहाँ रहता है? जंगल में सर। जंगल में अंधेरा होता है तो क्या शेर अंधेरे से डरता है? नहीं सर। तुम शेर हो शेर। हाँ सर। जाओ जंगल में। यस सर। सर कहीं एक और झूठी तो नहीं? नहीं, वो देखो। संभाल के, लड़की को गोली न लग जाए, संभाल के। गुरु भागे पंकज। कौन है आप और क्यों मारना चाहते थे ये लोग आपको? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किसे? किसे? दुर्गा पूजा। कौन? पिंक, पिंक स्वामी। सर वो लोग हाथ से निकल गए थे। किसी औरत को बचाने की बात कर रही है। किस औरत को सर? जो पिंक साड़ी में है उसकी जान को खतरा है, दुर्गा पूजा में। कहीं वही तो नहीं है जैसे कीर्ति ने बताया था? पिंक साड़ी। क्योंकि बाकी औरतों से इसने साड़ी बिल्कुल अलग पहनी है, काफी नामी गिरामी लगती है ना, जिस तरह से बाकी औरतें उसके साथ बातें कर रही हैं। ये तो साक्षी है, साक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सीईओ, बहुत चैरिटी वगैरह का काम करती है। हाँ, औरतों और बच्चों के हेल्प के लिए इसने काफी काम किया है, पर इसकी जान को किससे खतरा हो सकता? पता करते हैं, लेट्स गो। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते। नमस्ते मैम, हम लोग एक एनजीओ में काम करते हैं, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे लोगों के लिए तो मेरे हाथ हमेशा खुले रहते हैं। तो मैम जिन बच्चों के लिए हम काम करते हैं उनके लिए आपसे कुछ डोनेशन पा सकते हैं? जी बिल्कुल। मैम ये क्या कर रहे हैं आप? पहले ये तो पता कर लीजिए ये है कौन। तुम अपने काम से मतलब रखो। आप लोग कल मेरे घर पे मिलने आइए मुझसे, हम आगे की बात करते हैं और जल्द ही काम शुरू करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। मामला कुछ और ही है।
जी कहिए, किससे मिलना है आपको? साक्षी जी से। आइए आप लोग अंदर। आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। रुको सम, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ। जी जी कहिए। जी हम लोग बाल सेवा संस्थान नाम के एनजीओ से आए हैं, बच्चों को उनका अधिकार दिलाने। साक्षी जी ने हमें बुलाया था। ठीक है, आप लोग बैठिए। बेटा इधर आओ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। क्या नाम है आपका? सार्थक नाम है सर। नमस्ते। नमस्ते। मैं व्यास, साक्षी जी का ससुर। और मैं साक्षी जी की सास। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। नमस्ते। बैठिए ना, लीजिए चाय पीजिए। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? हमारे देश में अतिथि भगवान का रूप होता है, शास्त्रों में लिखा है ना, अतिथि देव भवा। इसलिए मैं हमारे मेहमानों की सेवा खुद अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ। लीजिए। बड़े ऊंचे विचार है आपके। अरे मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरी बहू को ही देख लीजिए, क्या नहीं करती है वो। मुझे तो सारी की सारी प्रेरणा उसी से मिलती है। अरे देखिए ना, मैं ही बातें करके बैठी हूँ, मैंने तो पूछा ही नहीं आप लोगों का परिचय। मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ जो बच्चों की सेवा करती है, और मैं एक पत्रकार हूँ। अपने अखबार के लिए साक्षी जी पर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बीवी के बारे में ना अपने अखबार में अच्छी चीजें छापना। जरूर, वैसे भी सूरज को दीपक दिखाने की जरूरत नहीं होती। साक्षी जी के समाज सेवा के काम के बारे में कौन नहीं जानता। वैसे साक्षी जी घर पे तो है ना? हाँ हाँ घर पर ही है, लेकिन वो क्या है ना, इतना काम रहता है उसे, सुबह सुबह पूजा पाठ, और फिर इतने सारे लोगों का फोन्स अटेंड करना होता है, इतने सारे लोगों को मिलना होता है, इन सब चीजों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ साक्षी जी बहुत नसीबवान है, आप जितनी प्यारी सास जो मिली है। नहीं नहीं, नसीब वाली तो मैं हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। साक्षी जल्दी करो। नमस्ते। नमस्ते। आप भूल गई हमें, हम मिले थे ना दुर्गा पूजा के दिन, आपने तो हमें बुलाया था यहाँ। कल क्यों मिले थे? हम एनजीओ के लिए काम करते हैं, तो हमें आपसे कुछ मदद चाहिए थी इसलिए। देखिए मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, और मैं भगवान नहीं हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी करूँ। साक्षी जी आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए आप इसे माफ कर दीजिए, आजकल इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रही। मम्मी मम्मी मम्मी। बेटा बेटा चलो, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, चलो हम अंदर चलो। चलो साक्षी बेटा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। चलो चलो हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कांचन साक्षी जी का दवाई लेके आई। जी लीजिए मैम, दवा लीजिए।
साक्षी, साक्षी चलो ऊपर चलो। हट जाओ मेरे सामने से तुम, मुझे चलो, मुझे साक्षी मुझे चलो चलो छोड़ो हार्दिक, मुझे मैं ठीक हूँ, हटो यहाँ से, तुमको मैं छोड़ूंगी नहीं समझेगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप सबको नहीं छोड़ूंगी मैं, फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम लोगों को समझे, मेरे दौलत के पीछे पड़ो तुम सबको नहीं छोड़ूंगी मैं, प्लीज आप लोग अभी चाहिए। ऐसा दिखता है वैसा है नहीं। कीर्ति, कीर्ति तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक हो ना? हाँ। नहीं 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 आप प्लीज प्लीज लेटे रहिए, लेटे रहिए, आप आराम कीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दो राज, I'm sorry। राजीव ने वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था। सर मुझे नहीं पता था कि इसने आप लोगों को वहाँ बुलाया और आपसे मिलने अकेली आ रही है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी आने नहीं देता। खैर किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कौन कर सकता है। अच्छा आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरी गेहूँ के सप्लाई का कारोबार है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ पर कीर्ति की बहुत लोगों से दुश्मनी है। क्या? बहुत सारे दुश्मन? हाँ सर, ये एक एनजीओ में काम करती है और इसने कई खतरनाक केस हाथ में लिए हुए हैं, इसी कारण इसको बहुत सारी धमकियां भी आई है, अब मैं ये सब बंद करवा दूंगा सर। सर ये कुछ दवाइयां हैं, आप ले आइए। जी मैं भी आया, चल मैं ले आता हूँ। कीर्ति जी इतनी रात को आपको राजीव जी को बताकर निकलना चाहिए था। सर मैं डर गई थी। किससे डर गई थी? किसी से कोई खतरा है आपको? जी मुझे खतरा नहीं है, पर मेरी दोस्त साक्षी, उसकी जान को खतरा है। किससे, किससे खतरा है उसे? वो तो नहीं पता, पर उसके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है सर, आप प्लीज पता लगाइए। वो तो हम पता लगा लेंगे। आप ये बताइए कि आपके अलावा और कौन जानता था कि आप हमसे मिलने वहां आने वाली? आपके और मेरे अलावा तो और कोई नहीं जानता था। याद करने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई तो जरूर जानता होगा, इसीलिए तो उन गुंडों ने आप पे हमला किया है। सर सिर्फ ऑटो वाला जानता था जो मुझे वहां छोड़ के गया था, और तो कोई नहीं जानता था। ये ऑटो कहां से पकड़ा था आपने? मेरे घर के बाहर से, तानी रोड से। उसका कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। अच्छा उस ऑटो वाले का चेहरा तो याद होगा ना आपको? सर साक्षी का बर्ताव आज बहुत बदला हुआ था। बदला हुआ था मतलब? सर दुर्गा पूजा में हम जिस साक्षी से मिले थे, आज ऐसा लगा ही नहीं कि हम उसी साक्षी से मिल रहे हैं। लेकिन शेया कोई रातों रात इतना कैसे बदल सकता है? उसकी तबीयत तो ठीक है। सर वो तो पता नहीं, मगर कोई परेशानी जरूर है। क्या परेशानी है? ऐसा लग रहा था कि उसकी परेशानी का कारण उसका परिवार ही है। तो तुम्हें उसके परिवार में किसी पे शक हुआ, कोई उसे धमका रहा हो या किसी बात के लिए दबाव डाल रहा हो? सर ऐसा तो कुछ नहीं लगा, लेकिन एक बात जो मैंने गौर की वो ये कि एक दवा लेने के बाद वो ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। कौन सी दवाई थी? सर उस वक्त हमने इतनी पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, वरना उन्हें हम पर शक हो जाता। कीर्ति कैसी? सर अभी उसकी तबीयत बेटर है, डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो सकती है। और ये इशिता वहाँ पे है ना उसकी निगरानी के लिए? सर अच्छा कीर्ति ने उन गुंडों के बारे में कुछ बताया? नहीं सर उन गुंडों के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बार बार एक ही चीज कह रही थी कि साक्षी को बचा लो, साक्षी को बचा लो। सर हम कह रहे हैं ना कोई परेशानी जरूर है वहाँ। गविन कीर्ति ने बताया कि साक्षी को किस बात की परेशानी? नहीं सर बस एक ही चीज रिपीट कर रही थी कि साक्षी की जान को खतरा है। ओह, साक्षी की जान को खतरा है और ये दवाई देने के बाद वो और एग्रेसिव हो जाती है। पता करना पड़ेगा ये कौन सी दवाई है। सॉरी
हेलो बेटा, परसों तुम्हारी सगाई है, तुम्हें आज घर पे होना चाहिए, ना कि ड्यूटी पर। हाँ मैं आती हूँ। आती हूँ नहीं, आ जाओ, छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए, समझी? मैंने कहा ना मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। बाय बाय। क्या होश है? कुछ नहीं सर। किसका फोन था? अब तुम्हें कहीं जाना है क्या? वो मम्मी का फोन था। ये क्या, मम्मी ने क्या बोला? सर मम्मी ने कहा कि परसों मेरी सगाई है तो आज मुझे छुट्टी लेनी चाहिए थी, घर पे रहना चाहिए था। हाँ ठीक ही तो कह रही है मम्मी, तुम घर जा सकती हो। सर मैं घर कैसे चली जाऊं, इतना काम बाकी है, इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। दया सर ठीक कह रहे, केस हम देख लेंगे, तुम जाओ। सर ये केस खत्म होने के बाद मैं कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूंगी। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। Excuse me? कौन हो तुम और ऐसे अंदर कैसे चली आई? समाज की सेवा करने वालों के लिए कुछ भी पराया नहीं होता, सब अपना होता है। देखो मैडम, ये तुम्हारी कोई नाटक मंडली नहीं है जहां पर तुम ये आंखें मटका मटका कर बातें कर रही। सारी दुनिया नाटक ही तो है, हम आप सब नाटक कर रहे हैं, आप अब इस चीज से वाकिफ नहीं है। अरे यार बड़ी अजीब औरत, मैंने कहा ना हमें किसी सेवा की जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ से जा सकती हैं। चली जाऊंगी, सबको ही तो जाना है, लेकिन साक्षी जी से मिलने के बाद। हाँ ठीक है, बाद में मिल लेना, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ मैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझसे फोन पे ये कहा था और फिर यहाँ आने को भी कहा। आप साक्षी जी को बुला दीजिए प्लीज। देखो तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए प्लीज। अरे क्या कर क्या रही हैं आप? कंचन क्या हुआ? मैं देख रही ना, ये जबरदस्ती अंदर घुस रही है। ये माँ होंगी है ना? हाँ लेकिन आप कौन है? माँ जी मैं एक समाज सेविका हूँ, मैं नारी उत्थान केंद्र के लिए काम करती हूँ। देखिए आप जाइए, साक्षी को आराम की जरूरत है। जी मुझे एक बार साक्षी जी से मिलने दीजिए, मुझे उनसे पूछना है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती थी प्लीज। क्या हुआ ये शोर किस बात का? नमस्ते साक्षी जी, मैं नारी उत्थान केंद्र से, मैंने फोन किया था। हाँ हाँ नमस्ते विजय जी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। सॉरी मैडम। आप चलिए कमरे में बैठकर बात करते हैं। जी मैम के लिए चाय लिया। जी साक्षी जी, आप नारी के विकास के बारे में क्या सोचती हैं? मैं तो खुद ही नारी के विकास के लिए बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, अगर आपके संगठन के साथ जुड़ जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। आप दो मिनट बैठिए, मैं अभी आई। जी वो मैम संपत लेकर आ ही रहा था कि अचानक मुझसे टकरा गया, चाय गिर गई, अभी दोबारा से बना रहा है। चाय लेकर आओ। जा नहीं नहीं साक्षी जी रहने दीजिए ना, चाय फिर कभी पी लूंगी। ठीक है, आप अपने प्लान्स के साथ वापस एक बार जरूर मिलने आइएगा। जी जी नमस्ते। Huh.
विजया जी रुकिए प्लीज, विजया जी। हम आज ही से अपना पहला काम शुरू करते हैं। मेरी तरफ से सहयोग राशि की पहली किश्त। थैंक यू मैडम। मैडम दरअसल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सच में आज से पहले मैंने इतने बड़े दिल वाली औरत देखी नहीं। दिल वाली औरत कौन? वो आप है मैडम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ पूर्वी। तुम लोग, मैं तुम लोग के पास नहीं आ सकती, तुम लोग निकल जाओ, शायद शायद इसे शक हो गया। ब्यूरो में मिलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। तानी रोड के पीछे वाला रोड यही है, कीर्ति ने यहीं कहीं से ऑटो लिया था। लेकिन वो कौन से ऑटो में बैठी थी, कैसे पता चलेगा? आगे ऑटो वाले हैं, उनसे पूछते हैं। रिक्शा वाला ही गायब है। कल रात को किसी लेडी पैसेंजर को 9 बजे के आसपास आपने ड्रॉप किया था? नहीं, कल रात 9 बजे किसी लेडीज पैसेंजर को छोड़ा था आपने? अरे तुझे 15,000 रुपए बैंक में लाइन लग करके मैंने भेजे और तू कह रहा है कि तुझे पैसे नहीं मिले। अरे साहब अभी नहीं जाना। हाँ हाँ, अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ, सवारी से कहा कि अभी नहीं जाना है। अरे मैं जो समझा रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे साहब मैंने कहा ना। बारा। क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कल रात किसी ऑटो वाले ने एक लड़की को यहाँ से मर छोड़ा था, जानते हो उसे? साहब कितने बजे? रात 9 बजे की बात। रात को 9 बजे? हाँ साहब मैंने ही तो छोड़ा था। और फिर उस लेडीज पैसेंजर पे तुमने हमला करवा दिया। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, गरीब आदमी हूँ मैं, ऐसा क्यों करूँगा? पैसों के लिए, और वही पैसे आज तुमने घर भेज दिए। अरे साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि तुम जानते थे कि कीर्ति तुम्हारे साथ। अरे साहब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन मैडम का नाम कीर्ति है, लेकिन हाँ साहब एक आदमी को पता था कि वो मड आने वाली है। कौन जानता था? साहब उसने मुझे 500 रुपये दिए थे और मुझसे कहा था कि एक औरत बिल्डिंग से बाहर निकलेगी और मर जाने के लिए कहेगी, तो उसे मर जाके छोड़ देना। उस आदमी ने सिर्फ तुम्हें ही पैसे क्यों दिए, किसी और को भी दे सकता था? क्योंकि साहब उसे वतानी रोड आना था और मैंने उसे अपने ऑटो से छोड़ा। तुमने उस आदमी को कहाँ से उठाया? यारी रोड विद्यानगर चौक के बाहर से साहब। एक मिनट ध्यान से देखना, ये नहीं साहब, ये नहीं साहब, ये हाँ साहब यही वो आदमी है। तुम्हारा शक वाकई सही था।
साक्षी दिमागी तौर पर बीमार है। मतलब दिमागी बीमारी की वजह से साक्षी का बर्ताव अचानक बदल गया और इसीलिए वो ये दवाई ले रही है। और दरअसल उसकी दिमागी बीमारी इस दवाई की वजह से ही है। क्या मतलब है सैलून के साहब? मतलब ये फ्रेडी कि साक्षी जब ये दवाई खाती है उसके बाद ही वो दिमागी तौर पर बीमार होती है। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि दवाई उसके मानसिक बीमारी को ठीक करने के बजाय उसे और भी बिगाड़ रही है? मेरा कहने का यही मतलब है। और साक्षी को ये दवाई तुरंत खाना बंद करना होगा वरना जल्दी ही वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी। सर, कुछ समझ में नहीं आ। गाविन, साक्षी ये दवाई खा नहीं रही है, उसे दवाई की असलियत बताए बिना खिलाया जा रहा है। सर, इसका मतलब उसके घर वालों में से ही कोई है जो इसे इस दवाई की असलियत बताए बिना उसे खिला रहा है। हाँ दुष्यंत, ये साक्षी के खिलाफ एक साजिश है। पता करना होगा कि कौन है सबके पीछे और वो ऐसा कर क्यों रहा है। मम्मी बछड़ा! हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सार्थक के साथ खेलने आई थी। क्यों? बेटा है वो मेरा, उससे प्यार करना, उसके साथ खेलना, वक्त बिताना हक बनता है मेरा। क्यों ऐसा काम करती हो? तुम्हारी और सार्थक दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ है मेरी सेहत का? तुम अपनी नजर में ठीक हो, औरों की नजर में नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता औरों की नजरों में मैं क्या हूँ और क्या नहीं। ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के अपने फैसले हैं। मैं जो चाहे करूँ, मेरी मर्जी। तुम्हारी मर्जी चलती कहाँ है? और तुम्हें औरों के लिए कुछ लेना देना नहीं है, पर औरों को तो तुम्हारी फिक्र है ना। चलो घर चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, चलो घर। ये है विद्यानगर चौक। ऑटो वाले ने तो यही बताया था। देखते हैं वो गुंडा कहाँ रहता है। सब चौकन्ने रहना, उस गुंडे को भनक नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? मैंने कहा ना, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं मैम, वो जब भी जाग जाए हम तब तक इंतजार कर लेंगे। चाय पीजिए ना। अब नहीं, ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है, देर से बैठे हैं, कुछ खाया पिया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, चाय तो पीना पड़ेगा। हाँ हाँ लीजिए ना, नहीं तो साक्षी मैम कहेंगी कि मैंने उनके मेहमानों का ध्यान नहीं रखा। प्लीज चलो चाय तो पी ही लेते हैं। थैंक यू। आप भी लीजिए। थैंक यू। माफ कीजिए पर आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी हम CID से। दरअसल साक्षी को एक पुलिस चैरिटी इवेंट के लिए इनवाइट करना था। आप दोनों का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सच्ची? हमारा तो चेहरा ही कुछ ऐसा है, लेकिन हम तो आपको पहली बार देख रहे हैं। हार्दिक जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए परेशान है। नमस्ते। नमस्ते। CID आज हमारे घर। साक्षी एक पुलिस चैरिटी इवेंट में तुम्हें एक चीफ गेस्ट के तौर पर हम इनवाइट कर रहे हैं। ओह थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। साक्षी, हम एक और बात करनी थी। ठीक कहिए। हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं?
साक्षी, तुम जो दवाइयां लेती हो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, क्या तुम ये बात जानती हो? देखो साक्षी, अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो प्लीज हमें बताओ, सीआईडी जरूर तुम्हें प्रोटेक्शन देगी। साक्षी, कुछ तो बोलो साक्षी। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी अगर आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। थैंक यू। ठीक है साक्षी, ये निशान कैसा है? साक्षी तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम हमें बता सकती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कमरे में कुछ है क्या? बहुत ऐसे कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। चक्कर आ रहा है ना? श्रेया? साक्षी? इस तरफ का घर नहीं है उसका? इधर भी कुछ नहीं है, यहाँ देखते हैं, इनसे पूछते हैं। सुनिए भाई साहब, हाँ? हम लोग सीआईडी से, इस आदमी को देखा है, कहाँ रहता है? उसका ये रहा घर सर। थैंक्स। हम तो एक गुंडे को पकड़ने आए थे, यहाँ पे तो तीन तीन है। ये भी मर चुका है। ये तीनों के होंठ नीले पड़ गए। इसका मतलब इन तीनों ने कहीं कोई जहर तो नहीं खा लिया? ये तीनों खा क्या रहे थे? कहीं इन तीनों ने ये बेलपूड़ी तो नहीं खा ली और फिर मर गए? शायद ये बेलपूड़ी आसपास से लाए होंगे। देखते हैं कौन बेच रहा है ये जहरीली बेलपूड़ी। वो रहा बेल वाला। कैसा दिया बेल? साफ सूखा गीला दोनों 20 का। कौन सा दो? जहरीली बेल कितने में बेचते? जहरीली बेल? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। अब ये बताओ कि जहर मिलाकर बेल कितने रुपयों में बेचते हो? सब बेल लेना है तो लो वरना ना लो। वो ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोलो, बहुत ग्राहक है मेरे इस चौल में जो मेरा बेल पसंद करते हैं। तो फिर अपने तीन ग्राहक कम क्यों कर दिया? तीन ग्राहक कम हो गए? तुम्हारी ये बेल खाकर तीन लोग मर गए। ये देखो। साहब ये तो दारू पी के पड़े हुए हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? हम मजाक नहीं करते, हम लोग सीआईडी से। माफ कीजिए साहब, मालूम है मैं 10 साल से यहाँ भेल बेच रहा हूँ, यहाँ के सारे चौल वाले मेरा ही भेल खाते हैं, आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ, पर ये तीनों मर कैसे गए? उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। अभी बताओ कि तुम इन तीनों के बारे में जानते क्या हो? साहब ये चार दोस्त है, चार चारों दारू पी के पड़े हुए रहते हैं, चौथा दिखा नहीं आपको? एक संख्या का तुमने, चार लोग, इनका कोई चौथा साथी भी है? हाँ साहब, इसका चौथा दोस्त वही तो भेल लेके गया था, चार भेल लेके गया है यहाँ से। चार भेल लेकर गया था? जी साहब। इसका मतलब उस चौथे ने इन तीनों की भेल में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया और खुद भाग गया। हो सकता है दुष्यंत। श्रेया, पूर्वी, तारिका कहाँ हो सकती हैं? ये तीनों अचानक गायब कहाँ हो गए? सर वो तीनों साक्षी के घर गए थे, वहां से कहाँ गए हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर तारिका, पूर्वी और श्रेया
किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। सब वो तीनों एक साथ गायब हुई हैं और किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं पड़ गई हैं? ओह नो, श्रेया की माँ का फोन है। श्रेया के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दो? सर उन्होंने जरूर श्रेया को फोन किया होगा पहले, उसका फोन नहीं लगा इसलिए शायद आपको फोन किया। सर मुझे नहीं लगता आपको उनका फोन उठाना चाहिए। नहीं पंकज, फोन तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। हेलो बेटा, मैं श्रेया की मम्मी बोल रही हूँ, उसका फोन नहीं लग रहा है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी मैं ठीक हूँ। बेटा अगर श्रेया तुम्हारे आसपास है तो प्लीज उससे बात करवा दो। वो आंटी जी श्रेया एक केस के सिलसिले में कहीं बाहर गई है और वहाँ पे शायद नेटवर्क नहीं है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, जैसे आए उससे मुझसे बात करने को कह देना। ठीक है आंटी, जैसे ही श्रेया वापस आ जाती है मैं आपकी बात करा देता हूँ। ओके थैंक यू। सर आपने उन्हें सच क्यों नहीं बता दिया कि श्रेया गायब है? नहीं फ्रेडी, श्रेया की सगाई होने वाली है, ऐसा कुछ कह दूंगा तो उसके घर वाले परेशान हो जाएंगे। सर और अगर श्रेया वापस ही नहीं आई तो? चाहे कुछ भी हो जाए, सगाई से पहले श्रेया को ढूंढना ही होगा। संपत, सार्थक को यहाँ से लेके जाओ। जी। सर आखिर कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे? जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि हमारी तीनों फीमेल कॉप्स कहाँ हैं। हमने कहा ना सर, हमें कुछ नहीं मालूम। देखिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम कि वो तीनों कॉप यहाँ पे आई थी और तब से ही गायब है। सर हमारा यकीन कीजिए, यहाँ पे कोई कॉप्स नहीं आए थे। सब पता चल जाएगा, पूरे घर की तलाशी ले लो। सर हम इज्जतदार लोग हैं, समाज में हमारी एक साख है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सर इज्जतदार हैं तो फिर गुनाह क्यों करते हैं? सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते हमारे तीनों कॉप्स कहाँ हैं? लेकिन आप ही बताइए ना, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।